आयस टॉपर से इंटरव्यू में लड़कियों पर पूछा ऐसा सवाल, दिया ये ट्रिकी जवाब। बिहार के जमुई के रहने वाले सुमित कुमार ने साल 2018 में यूपीएससी में 53वीं रैंक हासिल की है। सुमित कुमार से क्रिकेट, मनरेगा, दहेज से लेकर वुमन एम्पावरमेंट और कई सवाल पूछे गए थे। सुमित ने बेहद ट्रिकी जवाब दिए थे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जाने क्या थे ये सवाल, इनके जवाब आप कैसे देते। यहाँ हम आपको कुछ सवालों के बारे में बता रहे हैं जिनके जवाब आप खुद तलाशिए। सुमित कुमार के बारे में इंटरव्यू पैनल के पास पूरी डिटेल थी जिन पर सवाल जवाब शुरू हुए थे। ये जानकारियाँ कुछ इस प्रकार थी। इसमें उनके मटेरियल्स एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में IIT कानपुर से BTEC करने से लेकर उनकी हॉबी तक जानकारी थी। उन्होंने अपनी हॉबी में टेड टॉक्स देखना और क्रिकेट खेलने का जिक्र किया था। बस उनका पूरा परिचय देखने के बाद चेयरमैन महिला ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए। सबसे पहला सवाल जो उनसे पूछा गया वो था कि आपने IIT कानपुर से 2013 में ग्रेजुएशन किया, 2 साल जॉब, फिर 2015 में क्या किया। सुमित ने इसका सीधा सीधा जवाब देते हुआ कहा कि मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। सुमित ने आज तक से बातचीत में बताया कि उनसे एक सवाल टेड टॉक्स के बारे में पूछा गया। सवाल था कि आपने किस भारतीय को टेड टॉक्स में देखा है। सुमित ने कहा कि यहाँ सवाल सीधा था लेकिन मेरा जवाब ट्रिकी था। मैंने जवाब में एक नाम अरुणाचलम मुरुगुंथम का नाम लिया। इसके पीछे मेरा ये उद्देश्य था कि इंटरव्यूअर को मेरे व्यक्तित्व का वो पहलू पता चले जहाँ मैं सामाजिक मुद्दों के लिए तत्पर हूँ। मुरुगन भारत के पैडमैन के नाम से फेमस हो चुके हैं जिन्होंने ऐसी मशीन बनाई जो कम कीमत की सेनेटरी पैड बनाती है और पूरी दुनिया में नाम कमाया। मैंने उनके बारे में विस्तार से बताया। अब अगले पड़ाव में इंटरव्यूअर ने उनके सामने जमुई के DM का जिक्र किया। इस DM पर दहेज का आरोप लगा था। इस पर इंटरव्यू लेने वालों ने कहा कि सिविल अफसर दहेज ले रहे हैं। इसके साथ उन्होंने दहेज लेने से बचने के लिए लोगों की मानसिकता बदलने के लिए कदम उठाने का सवाल रखा। इस सवाल के जवाब में सुमित ने कहा कि अभी उन पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन ये दुखद है कि लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ लैंगिक असमानता और नारी सशक्तिकरण पर भी इंटरव्यू में चर्चा हुई। इंटरव्यू में तीसरे मेंबर ने महिलाओं से जुड़ी भारत सरकार की स्कीम के बारे में सवाल पूछने के साथ सुमित से कहा कि महिला सशक्तिकरण को परिभाषित कीजिए। इसके जवाब में एक लाइन में सुमित ने कहा कि महिला सशक्तिकरण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक डोमेन में महिलाओं को बराबरी का स्थान देना है। इस सवाल का भी दिया ट्रिकी जवाब। आज पूरे देश में लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, इसे हल करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। उन्होंने जवाब में रालेगंज सिद्धि मॉडल के बारे में बताया और इस पर विस्तार से बात की। ये मॉडल समाज सेवी अन्ना हजारे के नेतृत्व में लागू हुआ था। सुमित ने इन जवाबों के माध्यम से अपने उस माइंड सेट को दिखाया जो समाज के लिए बेहतर करने में उत्सुक है। फिर उदाहरण के साथ इसे समझाने से साक्षात्कार ले रहे व्यक्ति को रुचि लेने में मदद मिलती है।